हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th आईसीएसई से चैप्टर करेंगे फैक्टराइजेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट लिख दिए। फैक्टराइज करना है, अब फैक्टराइज करने से पहले इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखें, इन दोनों टर्म की बात करें तो देखो इसमें से 5 कॉमन आ रहा है और वो भी माइनस का 5। तो देखो 3 माइनस 5 कॉमन आया तो क्या रह गया अंदर, ए प्लस बी। कैसे पता चला देखो, अगर मैं वापस माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 5 है माइनस बी। देखो सेट वही है, माइनस का 5 है माइनस का 5 भी। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, मतलब मैंने सारे स्टेप्स एकदम ठीक है, ये एज इट इज कुछ भी नहीं करना। अब ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो एक काम करो ए प्लस बी को एक सिंगल वेरिएबल लेट कर दो। वो किस तरह से, लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। अब ये क्वेश्चन देखो किस तरह से रीअरेंज हो गया, 3 माइनस 5x और माइनस का 12x2। तो कोई टर्म अगर फैक्टराइज करना हो और मुझे उसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना हो तो पहली कंडीशन है कि ट्राइनोमियल टर्म होनी चाहिए। तो ट्राइनोमियल तो है, और जो x की पावर है मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो 2 से स्टार्ट होकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, 2 से स्टार्ट होकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिल्कुल है 2 1 0। लेकिन जो x2 है वो पहला टर्म होना चाहिए। तो देखो सही से रीअरेंज करो, माइनस का 12x2 माइनस का 5x प्लस का 3, सब में से माइनस कॉमन ले लो तो 12x2 प्लस का 5x और माइनस का 3। अब देखो ये बिल्कुल अपने सही ऑर्डर में है, ट्राइनोमियल टर्म भी है, x की पावर 2 से स्टार्ट होती है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, और देखो x2 पहले फिर x और फिर इंडिपेंडेंट ऑर्डर टर्म, ठीक है। चलिए अब फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो नियम ये है कि x2 का कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म, मतलब जिसके साथ x नहीं लिखा उसे मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36 से फैक्टर बना लो, 3 1 3 2 6 कोई मतलब नहीं है, बस कॉपी करते रहना है। तो 12x2 करो रीअरेंज, प्लस का 9x माइनस का 4x और माइनस का 3, चार टर्म आ गए। तो जब भी स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से फैक्टराइज करें और चार टर्म आ जाए तो पक्की बात पहले दो और अगले दो में से कॉमन गारंटीड आएगा। चलो निकालते हैं कॉमन। तो 12 को लिख दिया मैंने 4 into 3, 9 को लिख दिया मैंने 3 into 3, क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया दोनों में से। देखो 3 और 3 कॉमन आ गया, यहाँ 2x है या सिंगल x है तो पक्की बात हमेशा कम वाला बाहर आता है, तो 1x बाहर आ गया। तो 4, 3 और x2, इसमें से 3 और x बाहर है तो क्या बचा, 4x बचा, प्लस बीच में प्लस 3 और x आ गया, क्या बचा अंदर, एक 3 बचा, ये वाला माइनस हमेशा कॉमन आएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। 4x माइनस 3 में से कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो क्या लिखो, 1 कॉमन में लिखो, तो 4x तो आएगा, देखो क्या माइनस 1 इंटू 4x इज माइनस 4x। अब इस माइनस साइन में कौन सा साइन मल्टीप्लाई करो कि माइनस आ जाए, पक्की बात प्लस करना पड़ेगा, और डायरेक्टली क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 3। आपको किसी भी स्टेप पर डाउट हो तो जरा अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्टली यही टर्म आ जाना चाहिए, समझ जाएगा कि आपके अब तक के सारे स्टेप्स ठीक है। अब क्या करो, 4x + 3 कॉमन आ रहा है, ये माइनस को बाहर कर दो, 4x + 3 कॉमन आ गया, बचा क्या 3x - 1, ये लीजिए। लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं पर भी x था ही नहीं, वहां तो a और b था, हमने क्या किया था, जहां a + b लिखा है वहां हमने x डाल दिया था, तो क्या करें, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां हर जगह a + b डाल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए माइनस आ गया बाहर, 4x + 3 4x + 3, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट 3x - 3x जो कि a + b लेट लिया गया था -1। चलिए और थोड़ा सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई करो 4a + 4b + 3 ब्रैकेट 3a + 3b -1, बस अब आगे कुछ हो नहीं सकता, हो गया क्वेश्चन फिनिश। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले लेट करो a² को x, तो उस नियम के हिसाब से देखो इसे क्या लिख सकते हो, a² का होल स्क्वायर -11a² प्लस का 10। अब a² तो x है ना, तो x² लग रहा है, तो x² माइनस का 11x और प्लस का 10। चेक करो क्या ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होने के लिए बिल्कुल तैयार है, पहली बात तो ट्राइनोमियल टर्म है तो बिल्कुल ट्राइनोमियल टर्म है, और जो x की पावर है वो 2 से स्टार्ट होकर डिक्रीजिंग होनी चाहिए, 2 से स्टार्ट होगा डिक्रीजिंग होनी चाहिए, 2 1 0। तो कंफर्म हो गया कि ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो सकता है। अब क्वेश्चन करते कैसे हैं, उसमें
जो x square का coefficient है और जो independent of x वाला term है उसे multiply कर लेते हैं, तो 1 into 10 10 ही आएगा। चलो factor निकालो 2 5 और 1। अब इन तीनों factors को इस तरह से arrange करना है कि माइनस का 11 आ जाए, तो देखो बहुत आसान है 2 5 से 10 और 1 कैसे 10 और 1 को मैं 11 लिखूं माइनस का 10 माइनस का 1 तो x square माइनस का 10x माइनस का x और प्लस का 10। अब यहां माइनस वाला लिखो या मत लिखो, जैसे लिखा है ना माइनस 10 माइनस x या माइनस 10x माइनस 1x लिख सकते हैं, ठीक है। अब चार टर्म आ गए तो पहले दो और आगे दो में से कॉमन निकालो। चलिए कॉमन क्या रहा, न्यूमरेटर टर्म तो है इसलिए x ही कॉमन आएगा, कितना बचा x माइनस 10। चेक कर लो 2x है एक बाहर आ गया एक रह गया माइनस एज इट इज, 10 और x लिखा है x बाहर आ गया अंदर 10 रह गया, ये माइनस का साइन हमेशा कॉमन आएगा, ठीक है। अब x और 10 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो फिर क्या कॉमन आएगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही आएगा हमेशा। अब x आ गया वो माइनस वाली 2x माइनस x माइनस में क्या साइन मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाए माइनस ही करना पड़ेगा। अब 10 लिखा है अब भी 10 लिख दो वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देखो ये लिखा हुआ है। अब x माइनस 10 फिर कॉमन है निकालिए x माइनस 10 कॉमन क्या बचा x माइनस 1, लेकिन क्वेश्चन में तो x का ही था ही नहीं, कहां जहां जहां आपने x लिखा है वहां डायरेक्टली क्या पुट कर दो a स्क्वायर पुट कर दो, देखो कितना आएगा a स्क्वायर माइनस 10 और a स्क्वायर माइनस का 1। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उससे एक फायदा हो जाएगा क्या देखिएगा a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की एंटिटी x प्लस y इनटू x माइनस y। तो देखो क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं ना तो जब तक फैक्टराइज हो सकता है आपको इसे करना ही पड़ेगा, तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 10 a प्लस 1 a माइनस 1। क्वेश्चन करो फिनिश। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सलूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।